Hello and welcome to Priyag Career Institute's English class. यह video remedial grammar के लिए है. इस video में हम ऐसे points जो usually बच्चों की समझ में नहीं होते हैं या जानकारी में नहीं होते हैं, वही points हम सिर्फ इसमें discuss करते हैं. आज का topic है the use of shall. यह टॉपिक वास्तव में फ्यूचर टाइम के लिए यूज़ किए जाने वाली फ्यूचर फॉर्म्स का एक हिस्सा है. इससे पहले हमने दो वीडियोस बनाए. उन दो वीडियोस में हमने यह सीखा कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, बी प्लस इन्फिनिटिव एंड बी गोइंग टू, ये चार पॉइंट, दीज आर द फोर फॉर्म्स. ये चार फॉर्म्स हैं जो फ्यूचर टाइम के लिए यूज़ की जाती हैं, फ्यूचर टाइम को इंडिकेट और एक्सप्रेस करने के लिए. इसी के साथ फिफ्थ पॉइंट है शैल एंड विल, जो कि फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग की जाती है. लेकिन चूंकि वीडियोस बड़े हो जाने के कारण वहाँ हमने सिर्फ उन्हीं फॉर्म्स को रखा, एंड इस थर्ड पार्ट में शैल का यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम विल का यूज डिस्कस करेंगे, एंड इसके बाद और अगले पार्ट में हम शैल एंड विल दोनों के कंपैरिजन कहाँ कहाँ हैं उनका भी हम एक वीडियो बनाएंगे. तो आज का टॉपिक है द यूज़ ऑफ शैल, यानी शैल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है. वीडियो को देखते रहें, शैल के नाम से इसको स्किप या बंद ना कर दें, क्योंकि शैल का यूज़ तो बचपन से टेंसेस में करते ही आ रहे हैं, लेकिन आपको और उससे एडवांस्ड जानकारी सुनने के लिए और समझने के लिए मिलेगी. इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से और मन लगा कर देखें. यूज ऑफ शैल, पहला ही आपका पॉइंट है जो आपको जानकारी देगा. फर्स्ट पर्सन आई और वी प्लस शैल एक्सप्रेसेस प्योर फ्यूचर. व्हाट इज प्योर फ्यूचर? इस प्योर फ्यूचर किसे कहते हैं? प्योर फ्यूचर दैट इज फ्यूचर विदाउट इंटेंशन, डिटर्मिनेशन एट्सेट्रा, यानी कि जिसमें ऐसा फ्यूचर जिसमें कोई इंटेंशन या डिटर्मिनेशन नहीं होती, उसको हम फ्यूचर कहते हैं, प्योर फ्यूचर कहते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्यूचर, वन इज इंटेंडेड फ्यूचर एंड वन इज द प्योर फ्यूचर. एंड इन अदर वर्ड्स, इसी बात को समझने के लिए अगर हम दूसरी तरह से कहें तो दूसरी तरह से हम यह कहेंगे, इन अदर वर्ड्स इट इंडिकेट्स दैट समथिंग विल हैपन एज अ मैटर ऑफ कोर्स. तो प्योर फ्यूचर का मतलब क्या होता है? प्योर फ्यूचर का मतलब होता है कि कुछ कोई चीज़, समथिंग विल हैपन एज अ मैटर ऑफ कोर्स. इस पॉइंट को आपको समझने की आवश्यकता है. समथिंग विल हैपन एज अ मैटर ऑफ कोर्स मीन्स कल सूर्य अपने आप निकलेगा, यानी कि आप इसमें कुछ नहीं करेंगे. रात अपने आप होगी, इसमें आप कुछ नहीं करेंगे. इसी तरह से अगर आप रोड पर जाएंगे तो व्हीकल्स आपको अपने आप दिखाई देंगे, दैट इज़ द मैटर ऑफ कोर्स. तो आपको अपने आप वो चीज़ें दिखाई देंगी, आप इसमें कुछ नहीं करेंगे. अगर आप नदी की तरफ जाएंगे तो नदी में पानी, नदी के चारों तरफ इधर इस पार उस पार खेत और जो भी प्रकृति है वहाँ की, वह सब अपने आप आपको दिखाई देगी, आप इसमें कुछ नहीं करेंगे. तो उस ऐसा फ्यूचर जो एज अ मैटर ऑफ कोर्स चलता रहता है, वे घटनाएं जो किसी दूसरे के आपके द्वारा नियंत्रित नहीं है और प्रकृति के द्वारा नियंत्रित और वो चलती ही रहनी है, उसको हम प्योर फ्यूचर कहते हैं. तो हम यह बात कर रहे हैं कि आई और वी के साथ अगर हम शैल को यूज़ करते हैं तो उससे प्योर फ्यूचर इंडिकेट एक्सप्रेस करने के लिए हम आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं. हम आई और वी के साथ सिर्फ और सिर्फ प्योर फ्यूचर इंडिकेट करने के लिए, दिखाने के लिए हम शैल का यूज करते हैं. तो प्योर फ्यूचर क्या है? जिसमें थिंग्स गो ऑन देयर ओन, चीज़ें अपने आप चलती हैं, इसमें आपके द्वारा नियंत्रित नहीं होती. जब आपके द्वारा नियंत्रित होती है तब उसको हम इंटेंडेड फ्यूचर कहते हैं, जिसको हमने यहाँ कहा इंटेंशन एंड डिटर्मिनेशन. जैसे आप बाजार, कल आप कार खरीदेंगे या कल आप कहीं जाएंगे, तो ये आपका डिसीजन है, तो ये इंटेंडेड फ्यूचर हुआ, ये प्योर फ्यूचर नहीं हुआ. लेकिन एग्जाम्पल देखिए, I shall be 20 on my next birthday. ये प्योर फ्यूचर है. नेक्स्ट बर्थडे आएगा तो आप अपने आप 20 के हो जाएंगे, आपको इसमें कुछ करना नहीं है.
So matter, it will go, it will happen as a matter of course. इसमें आपको कुछ नहीं करना है. तो I shall be 20 on my next birthday. मैं अपने next birthday पर 20 का हो जाऊंगा. इसी तरह से वी शैल हैव अ हॉलीडे ऑन इंडिपेंडेंस डे. वी शैल हैव अ हॉलीडे ऑन इंडिपेंडेंस डे मीन्स इस ये भी दिस इज ऑल्सो प्योर फ्यूचर मीन्स एज अ मैटर ऑफ कोर्स इट विल हैपन. जैसा कि पहले से ही डिसाइडेड है तो इंडिपेंडेंस डे आएगा उस दिन आपको हॉलीडे होगा. इसमें और किसी को कुछ नहीं करना है. एंड इट विल कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. इसी तरह से ये चीज़ चलती रहेगी. अगर आप मंदिर में जाएंगे तो भगवान के दर्शन करेंगे या वहाँ जो विग्रह है भगवान जी का उसके दर्शन करेंगे तो ये अपने आप होगा. आपको वहाँ कुछ करना नहीं है. सुबह सूर्य उगेगा ये अपने आप होगा. आपको कुछ करना नहीं है. तो इस तरह से इसके ये प्योर फ्यूचर होता है. तो इसमें आई और वी के साथ इसको शैल को यूज़ करके हम प्योर फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं या इंडिकेट करते हैं. तो दिस इज़ द ये आपका पहला पॉइंट है. यहाँ पर ये देखने और समझने की बात है कि आई और वी के साथ हम शैल तो यूज़ करते हैं लेकिन उसमें जो नेगेटिव जो सेंटेंसेस है वोंट और वुडंट इज ऑलवेज प्रेफर्ड टू शांट टू इंडिकेट रिफ्यूजल और नेगेटिव इंटेंशन. यानी आपकी कोई नेगेटिव इंटेंशन है या आप किसी चीज़ के लिए अस्वीकार किसी चीज़ को करने वाले हैं मना किसी चीज़ को करने वाले हैं तो उसके लिए शांट नहीं यूज़ करना चाहिए. शांट के बजाय उसमें आपको वोंट और वुडंट यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये आपकी इंटेंशन हो गई. अब ये प्योर फ्यूचर नहीं रहा. जैसे मैं चाय नहीं पीऊँगा तो ये अब आपका प्योर फ्यूचर नहीं रहा. ये आपकी इंटेंशन हो गई तो इसलिए अब आपको इसके साथ वोंट और वुडंट यूज़ करना चाहिए ना कि शांट या शैल नॉट यूज़ करना चाहिए. शैल नॉट या शांट यूज़ नहीं करना चाहिए नेगेटिव इंटेंशन बताने के लिए. जैसे आई वॉन्ट गिव यू एनी मनी. आई वॉन्ट गिव यू एनी मनी यहाँ यूज़ करना चाहिए या आई शांट गिव यू एनी मनी यूज़ नहीं करना चाहिए. तो प्योर फ्यूचर शो करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए हम आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज़ करते और इससे प्योर फ्यूचर हम इंडिकेट करते हैं. प्योर फ्यूचर का मतलब फिर से आप समझ लीजिए कि प्योर फ्यूचर का मतलब है कि समथिंग विल हैपन एज अ मैटर ऑफ कोर्स. कोई चीज़ अपने आप घटित होगी. आपके द्वारा कंट्रोल या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल नहीं होगी. अगर दूसरे व्यक्ति के द्वारा वह कंट्रोल होने लगती है दैट बिकम्स इंटेंडेड फ्यूचर. आप उसको इंटेंडेड फ्यूचर कह सकते हैं. यह टर्म मैं दे रहा हूँ आपको इंटेंडेड फ्यूचर का मतलब यह प्योर फ्यूचर नहीं है तो आपका वह इंटेंडेड फ्यूचर हो गया. नेक्स्ट पॉइंट इज शैल वी इज ऑलवेज यूज्ड इन क्वेश्चन टैग्स आफ्टर लेट्स. लेट्स के बाद हमेशा शैल क्वेश्चन टैग्स में हमेशा यूज़ किया जाता है. जैसे लेट्स गो होम नाउ शैल वी. तो ये जो छोटा सा आगे जो हमने पहले कोई स्टेटमेंट कहा है उस स्टेटमेंट को कन्फर्म करने के लिए जो छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं. तो लेट्स गो होम नाउ शैल वी. तो यहाँ जब हम कोई लेस से हम स्टार्ट करते हैं तो उसका जो क्वेश्चन टैग है वह शैल वी के साथ होता है. लेट्स गो होम नाउ शैल वी. लेट्स गो टू प्ले नाउ शैल वी. लेट्स स्टार्ट स्टडिंग नाउ शैल वी. तो इस तरह से शैल वी का यूज़ क्वेश्चन टैग्स में किया जाता है जो वास्तव में जिनमें लेस से जो स्टेटमेंट्स स्टार्ट होते हैं उनके लिए शैल वी के साथ क्वेश्चन टैग में यूज़ किया जाता है शैल का वी के साथ. एंड यहाँ विल वी नहीं आता है केवल और केवल शैल वी ही रहता है. थर्ड पॉइंट इज शैल आई या शैल वी इज यूज्ड टू एलिसिट ए पर्सन्स विशेस और इंस्ट्रक्शंस. किसी व्यक्ति की इच्छाएं क्या हैं या विशेस क्या हैं या वह हमको क्या इंस्ट्रक्शंस या निर्देश देना चाहता है यह उससे जानने के लिए. तो इलिसिट का मतलब होता है टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समबडी. किस या उसका रिएक्शन जानने के लिए या उसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए उसका क्या रिएक्शन है
किसी चीज़ पर या क्या उसकी इन्फॉर्मेशन है ये जानने के लिए दिस इज इलिसिट। तो इलिसिट करने के लिए किसी व्यक्ति के इंस्ट्रक्शंस और विशेज को इलिसिट यानी कि जानने के लिए हम ऐसे भी कहते हैं शैल आई क्लोज द गेट। शैल आई क्लोज द गेट मीन्स क्या मैं दरवाज़ा, और इसको हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे शैल आई शैल आई से जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनका हिंदी में लास्ट में एक वर्ड आता है ऊ, जैसे मैं क्या मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ शैल आई क्लोज द गेट, क्या मैं बाजार चला जाऊँ शैल आई गो टू मार्केट, क्या मैं अब कल आऊँ शैल आई कम टुमारो, क्या मैं आपको फ़ोन करूँ शैल आई फोन यू टुमारो। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस शैल और आई के साथ स्टार्ट होते हैं, ये इंफॉर्मेशन एलिसिट करने के लिए या किसी की विशेज और इंस्ट्रक्शंस को एलिसिट करने के लिए हम शैल के साथ आई का यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं, यह शैल का यूज़ है। एंड शैल वी वेट हियर, जो सेम मीनिंग शैल आई का है वही मीनिंग यहाँ शैल वी का है, लेकिन आई के साथ ऊ शब्द आता है, शैल आई गो शैल आई रीड शैल आई सिट शैल आई टॉक टू यू, लेकिन शैल वी के साथ क्या हम चले क्या हम खाएं ए शब्द आता है हिंदी के ट्रांसलेशन में। शैल वी वेट हियर, क्या हम यहाँ इंतज़ार करें, शैल वी गो टू टेम्पल, क्या हम मंदिर चलें। तो इस तरह से किसी के इंस्ट्रक्शंस या विशेष को जानने के लिए हम शैल वी से यहाँ हम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो दिस इज़ द पॉइंट नंबर 3, दिस इज पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 इज शैल इज़ यूज्ड विद आई और वी, यानी आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है टू मेक एन इंक्वायरी। टू मेक एन इंक्वायरी मतलब कोई इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हम पूछते हैं उसको हम इंक्वायरी कहते हैं। तो इंक्वायरी करने के लिए शैल आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है, जैसे शैल आई स्पीक टू हिम फॉर यू, तो सेंस लगभग वही है आपका, शैल आई स्पीक टू हिम फॉर यू मीन्स क्या मैं आपके लिए क्या मैं उससे बात करूँ, शैल आई गो टू मार्केट, इसी तरह के सेंटेंसेस इसमें भी होते हैं। यहाँ भी विल नहीं आ सकता है। नेक्स्ट नोट यहाँ पर ध्यान दीजिए, या विल आई या वी, विल प्लस आई या वी इन क्वेश्चंस इंडिकेट्स नर्वसनेस एंड परप्लेक्सिटी नॉट एन इंक्वायरी। तो यहाँ पर हम अगर कोई इंक्वायरी करना है तो उसके साथ हम शैल का ही यूज़ करेंगे, विल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम विल के साथ विल आई और वी के साथ विल लगा करके कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वह हमारी नर्वसनेस को इंडिकेट करता है या परप्लेक्सिटी को। परप्लेक्सिटी एक ऐसी स्थिति या सिचुएशन होती है जिसमें हम कन्फ्यूज़ होते हैं और हमको नहीं जान हम ये नहीं जानते कि हमें क्या करना है, तो ऐसी स्थिति को इंडिकेट करता है। इसलिए हमें आई और वी के साथ विल से कोई क्वेश्चन हमको नहीं पूछना चाहिए बल्कि शैल से ही हमको पूछने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वेयर विल आई गो नाउ, तो इस तरह का क्वेश्चन हम सपोज करिए किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जहां हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कोई बात, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, हमें नहीं पता होता, ऑल ऑफ सडन हम किसी इमरजेंसी में आ जाते, तब नर्वसनेस जब होती है तब हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, वेयर विल आई गो नाउ एंड हाउ विल आई गेट बैक, अब मैं वापस कैसे जाऊंगा, मीन्स आई डोंट नो व्हाट इज़ द वे टू गो बैक। तो हाउ विल आई गेट बैक एंड थर्ड वन इज व्हाट विल वी डू विद दिस मीगर अमाउंट, इस मीगर अमाउंट से अब हम क्या करेंगे, मीगर मतलब बहुत छोटा सा अमाउंट, हम कहते हैं कि इतने पैसे से क्या होगा, इससे तो कुछ नहीं होगा। सो इस तरह की फीलिंग दिखाने के लिए व्हाट विल वी डू विद दिस मीगर अमाउंट, तो इस तरह से ये हमें आई और वी के साथ विल को यूज़ करते हुए हमें क्वेश्चंस नहीं बनाने चाहिए क्योंकि ये नर्वसनेस और परप्लेक्सिटी हमारा दिखाता है। सो दिस इज़ द यूज ऑफ शैल, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आप इसको वीडियो को बार बार सुने देखें, अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं पूछ सकते हैं तो उस पर दोबारा से फिर कोई वीडियो बनाया जा सकता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर रेमेडियल ग्रामर के लिए आज के लिए, हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट लर्निंग, थैंक यू।